जेरी, think about it. It's a baby. तो भोसड़ी के समझा ले अपने इस चिलगुजे को कि सामने बाप है या बिल्ला. घर के ऐसा पंजा मारूंगा ना, आधे शरीर को लकुआ मार जाएगा. भोसड़ी का खिलौना समझ रहा है. पागल है क्या बहन की लोड़ी? सो रहा था ना मैं, पता है ना कल दिवाली थी, रात भर पटाखे फोड़े हैं शैतान चौराहे पे. एक अंकल आटा बेड़ी आ गए, कहने लगे बेटा धुएं से धर्मेंद्र के फेफड़े फूल गए, बंद कर दो. बड़ों का सम्मान करते हैं इसलिए बंद कर दिए 5 मिनट के लिए. 2 घंटे फिर फोड़े बहन चोर. छोड़ी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता तबला है या सर. अगर आज कुछ हो जाता तो इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा. सुधर जाएगा से क्या मतलब है तुम्हारा? अभी क्या चोरी चिनाला करता हूँ मैं या फिर नशे पत्ती में रहता हूँ? वो आंटी जी पहले ना अपने बच्चे के कर्म सुधारो. शैतान चुराए पे गांड की तस्करी करता है तुम्हारा लौंडा. शादी कराएंगे ये मादर चोत. क्या हो गया, पागल मागल हो गई है क्या? इतना फालतू टाइम नहीं है कि तेरे लिए बैठ के यहाँ गुप्त योजना बनाए. और जिस थाली में खाते हैं उसी में थोड़ी ना पेशाब कर देंगे. नींद आती होगी, सो जा चुपचाप. ले चल बहन की लौड़ी को झुमरी तलैया में. अच्छा. Oggi ho avuto proprio una giornata di merda, ci manca solo che i miei gatti mi guardano male, siamo a posto. आ गया चिंपा जी, तो तेरी माँ चुदाने के लिए दरवाजा बंद करके गया था बाहर. यहाँ हम लोग कब से परेशान हुए पड़े हैं, हर मुंह तो नहीं पा रहे हैं. अब जल्दी से दरवाजा खोले ना, वरना पटक के तेरी कान मार ली जाएगी मादरचोद. क्या रे चिंकू चौकीदार, भोसड़ी की हम जरा से मुट्ठी क्या मारने गए, तुमने पूरे पलंग पे अपना कब्जा कर लिया. नहीं साबित क्या करना चाहते हो कि अब तुम्हारी गांड नहीं फटती हमसे बहन के? सोचा था लंगड़ाते हुए आएंगे, घर के लोग देखेंगे, थोड़ी सिंपति मिलेगी, रात को शाही कबाब खाएंगे. लेकिन यहाँ भोसड़ी का कोई है ही नहीं देखने वाला. प्लेन कैंसिल हो गया बहन का लोड़ा. कल रात मैंने तकिए के नीचे 3 बिस्कुट दबा के रखे थे, उनमें से 1 बिस्कुट का अपहरण हो चुका और दूसरा बिस्कुट जख्मी है. जांच पड़ताल करके पता चला कि उसके जख्मों पे तेरे दांतों के निशान पाए गए बहन के.